हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब गुड। चलिए, हाँ सर, ये लास्ट टाइम, क्योंकि अब आप लोग रोने वाले हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं रोने वाले हैं? क्योंकि आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर, ठीक है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कंपलसरी कर दिया गया है। कहीं कहीं पर ये सब्जेक्ट आपका मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग सेमेस्टर 2 में, तो कहीं पर सेमेस्टर 3 में लिया जा रहा है। जैसे झारखंड के जितना भी यूनिवर्सिटी है, सभी में सेमेस्टर 2 में लिया जाता है। खाली एक यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, जहाँ पे सेमेस्टर 3 में ये पेपर लिया जाता है। बाकी जितना भी यूनिवर्सिटी है, रांची हो गया, SKMU हो गया, NPU हो गया, BBMKU हो गया, विनोबा भावे हो गया, ठीक है, इन सभी में सेमेस्टर 2 में लिया जाता है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एग्ज़ाम। और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में सेमेस्टर 3 में लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे जिसमें भी हो क्वेश्चन तो आपको इस टाइप से आएंगे। और इस पेपर में आपको रुलाने वाला है, क्योंकि यह पेपर मैथ का है और मैथ का पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया है, ठीक है। झारखंड के 9 यूनिवर्सिटी में से अभी तक एकमात्र यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी, जिसका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आया था। अदरवाइज सभी का पेपर इंग्लिश में आया है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, सभी का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत क्या है मालूम है? जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है वो क्या करेगा? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको इतना आसानी से ग्रेजुएशन करने नहीं देगा, नाक रगड़ा देगा, तब भी आपका ग्रेजुएशन शायद ना हो, ठीक है। 4 साल का है बाबू, 4 साल का है ना, उसमें आपको 5 साल लगाएगा, उसमें भी आप फेल करेंगे ना पास करेंगे कोई गारंटी नहीं है। सेशन 23-27 में पूछा गया पेपर है, ठीक है, और टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और एक चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ टीचर ऑफ मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं केवल आपको कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में बताऊँगा अभी कि इसको आपको, अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, ताकि आप लोग क्वालिफाई कर जाएँ एटलीस्ट। देखिए, पेपर आपको 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सबसे पहले रहेगा आपका ग्रुप ए, जिसमें आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, उसके बाद ग्रुप बी आपके जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ मीन ऑफ 3, 1, x, 5 इज 4, देन फाइंड x, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि माध्य जो है दे दिया गया है, माध्यक पढ़े क्लास 10 में, तो 3, ठीक है, प्लस कीजिए 1 + x + 5, इन सभी का माध्य दे दिया गया है, कितना? 4 दिया गया है, ठीक है, 4। तो टोटल नंबर कितना है? 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो नंबर भी है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, क्योंकि सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, होता है माध्य का फॉर्मूला। अब ये यहाँ पे भाग है, इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16, और इधर हो जाएगा हमारा 3, 1, 4 और 5, 9, यानी कि 9 + x होगा 1 = हो जाएगा हमारा 16, यानी कि 4 × 4। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 16 - 9, तो हमारा x बराबर कितना निकल जाएगा? x बराबर निकल के आएगा हमारा 7, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो 7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का, और ये हमारा 1 मार्क्स मिल गया। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ वेरियंस। यहाँ पे पूछा गया है कि फॉर्मूला लिखना है वेरियंस का। वेरियंस मतलब समझते हैं, विचलन होता है, और इसका फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि यार मुझे मालूम नहीं है। ये एक तरह से धोखा है, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों को भी मैथ पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर साइंस पढ़ने का मतलब आर्ट्स पढ़ने का क्या ही फ़ायदा? आर्ट्स वाले बच्चे आते कि भाई थोड़ा आसान मिलेगा, हम लोग आसानी से BA पास कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स को भी अब मैथ पढ़ना है, तो BSc कीजिए चाहे BA कीजिए, अब आपको मेहनत जो है ना इक्वली लगने वाला है। अगला है हमारा यहाँ पे कि व्हाट इज द रेंज। रेंज का हिंदी होता है परास। परास क्या है? परास एक गाछ है। नहीं यार, वो परास नहीं है। परास जो यहाँ पे देखिए 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये दिया है। इसमें पूछा जाता है परास क्या है, रेंज क्या है। रेंज बोलते हैं ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है, तो ऊपरी सीमा कितना है यहाँ पे 40, निम्न सीमा कितना है 15, तो 40 - 15 करेंगे तो कितना आएगा? 40 - 15, ठीक है, ये ऐसा लिखेगा कि रेंज इज इक्वल टू ऊपरी सीमा, ठीक है,
अपर टर्म माइनस, सॉरी अपर टर्म नहीं लिखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, सबसे ऊपरी टर्म, ठीक है, हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म इंग्लिश में, और हिंदी में ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। तो माइनस की जगह तो कितना आएगा, 40 में माइनस करना है तो आपका आ जाता है 25, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका परास कितना है 25 है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। अब बोलिएगा ये क्या बोला है यार, ठीक है, आप में से बहुत से दोस्त तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके साथ फेल होने का प्रक्रिया घट रहा है, ठीक है। तो बताऊंगा लास्ट में क्या करना है, अगर आप वो कर पाएंगे तो शायद पास कर पाइएगा इस सब्जेक्ट में, नहीं तो यही सब्जेक्ट आपको फेल कराएगा। और देखा गया है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जान के इस सब्जेक्ट में केवल उतना ही मार्क्स दिया जा रहा है जितना कि बच्चे पास कर जाएं, ठीक है, भले बच्चे कुछ भी लिख देते हैं लेकिन एग्ज़ाम में देखे हैं कि अगर 30 नंबर पासिंग है तो 30 नंबर दे के छोड़ दिया है, एको नंबर ज़्यादा नहीं, 30 नंबर पास कर दिया है, ठीक है। चलिए एक तरह से ठीक है कि पास कर दे रहा है कुछ भी लिखने से, लेकिन हर जगह करेगा ये ज़रूरी नहीं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परस्पर अनन्य घटनाएं, ठीक है। ये क्या होती है परस्पर अनन्य घटनाएं, तो परस्पर अनन्य घटनाएं उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उसे कहते हैं जब एक साथ दो ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे एक साथ अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो पट या चित दोनों आएगा ये हो ही नहीं सकता, या तो पट आएगा या फिर चित आएगा या फिर खड़ा रह जाएगा, दोनों आएगा ये नहीं हो सकता कि पट भी आए और चित भी आए, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह की कुछ घटनाएं जो कि एक साथ, दो ऐसी घटनाएं जो एक साथ संभव नहीं है, ठीक है, ऐसी घटनाएं जैसे जहां पानी है वहां आग नहीं लग सकता है, अब साइंस को छोड़ दीजिएगा, सोडियम वहाँ पे दे दीजिएगा तो वहाँ पे आग लगेगा ही, लेकिन जहाँ पे पानी है वहाँ पे सेम वहाँ पे आग नहीं लग सकता है, और जहाँ पे आग है वहाँ पे पानी नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब पानी में वहाँ पे तालाब में सोडियम फेंक दीजिएगा तो तालाब में भी आग लग जाएगा, तो साइंस का कुछ अपवाद को छोड़ के, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि डिफाइन क्या है, कि डिफाइन फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए फिजिबल सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, व्यवहारिक समाधान, ठीक है, व्यवहारिक समाधान। फिजिबल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे जितने भी आपके इवेंट हैं, जितने भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम हैं, उन सभी को सेटिस्फाइड किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है नंबर, इफ पी ए इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड पी ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आंसर होगा मुझे मालूम नहीं, देख लीजिए। अब मैं दिखा दिया पेपर इस टाइप से है, और मैं दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली। उसके बाद जी नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन, फिर एच नंबर है कि राइट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ड्राइव एंड कॉन्क्योर अप्रोच, और आई नंबर में है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज इन एक्सेल, ठीक है, एक्सेल में फॉर्मूला को फाइंड कैसे किया जाता है और एक्सेल शुरू किया जाता है इज इक्वल साइन से, ठीक है। देन आपका यहाँ पर डिफाइन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बताना है, ठीक है, सापेक्ष संख्या की। और फिर आपका आता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वेरियंस ऑफ द डाटा, यहाँ पर डाटा दे दिया गया है आंकड़ा, इसका वेरियंस निकालना है, 10, 20, 30, 40, 50 इसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है, यानी कि विचलन। अब आता है यहाँ पे ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में देखिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से बोला गया है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन मीन डिविएशन, यानी कि माध्य विचलन ज्ञात करना है, ठीक है, मीन डिविएशन एंड फाइंड द मीन डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट मीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए FIXI दे दिया गया है और इससे आपको मीन डेविएशन निकालना है। अब आता है यहाँ पे बी नंबर देखिए यहाँ पे है कि स्टेट एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट, इफ टू डाइस आर टॉस्ड टुगेदर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल
ऑफ टोटल 8। देखिए यहाँ पे पासा के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो 8 लाना। अब यहाँ से मैं लास्ट को दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा तो फालतू में झूठ मूठ का फिर टाइम वेस्ट करके आपके लिए वीडियो को लंबा क्यों कर दूँगा। जैसे 8 नंबर में देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में क्या है, इस तरह के डिफाइंड है फॉलोइंग, इन सभी को परिभाषित करना है, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, स्केटर चार्ट, सरफेस चार्ट, देन है आपका यहाँ पे स्टैटिकल चार्ट, रेडर चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, ये सभी चार्ट हैं, और फिर डाटा है और फ्लो चार्ट है, ठीक है, देन आपका कोरिलेशन है, अप्रोच है, तो इन सब को पढ़ना है। अब बोलिएगा भाई जब आपसे नहीं बन रहा है तो हमसे कैसे बनेगा। अरे भाई देखिए 2022 तक जितना 22 बोल रहा हूँ 24 तक जितना भी ग्रेजुएशन कर लिया ना, कर लिया, 21-24 सेशन लास्ट सेशन था रेगुलर से 3 साल का। अब बाप बोल देगा ग्रेजुएशन करते करते, पहले जो पार हो जाता था ना, ठीक है ना, बिना पढ़े एग्ज़ाम दिए जाता था, मात्र 2 दिन पहले एग्ज़ाम दे के पास हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब सब नानी याद आ जाएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा, मजाक समझ लिए हैं 4 साल का ग्रेजुएशन, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पास करना मुश्किल है, इसलिए अगर आपको ये सब्जेक्ट पास करना है मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको एक बीएससी का टीचर ढूंढिए, ठीक है, जो बीएससी मैथ के बच्चों को पढ़ाता है, बीएससी जो मैथ के बच्चों को पढ़ाता है मास्टर, ठीक है, उसके टीचर को खोजिए, फाइंड आउट कीजिए, देन आपको क्या करना है, उनसे मैथ पढ़ना है, बताना है कि सर ये रहा मिला सिलेबस, मैंने सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपलोड कर दिया है, चाहे वो कोलान यूनिवर्सिटी हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो, चाहे SKMU हो, चाहे हाँ इतना ही हमने अपलोड किया है, बाकी का नहीं किया है, इन सभी का मैंने मैथ का सिलेबस अपलोड कर दिया है, मारिएगा अगर यूट्यूब में सर्च ज्ञान सागर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिलेबस कोलान यूनिवर्सिटी, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम, तो आ जाएगा सिलेबस, देख लीजिएगा, और उसको बताना है कि भैया या सर जो भी हैं जहाँ से पढ़िएगा कि ये हमको पढ़ा दीजिए, ऐसा पढ़ाइए कि हम बस एग्ज़ाम पास कर जाएँ एटलीस्ट, ठीक है, फेल ना करें, ठीक है, 1 महीना जितना भी टाइम है, 1 महीना या 15 दिन पढ़िए जाके 2 घंटा कम से कम मैथ, ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो फिर भाई फेल होइएगा हम और क्या बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं सकेंगे ना उसको नहीं हाँ बोलेंगे यार, जब सकेंगे ही नहीं तो झूठ मूठ का काहे हाँ बोलेंगे, ठीक है। बाकी ये था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है आप जो सिलेबस है आपका यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस को निकालिए और पढ़िए, लगभग सभी का सेम है, लेकिन फिर भी आप अपना सिलेबस को फॉलो कीजिए और सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम जो होगा देखा जाएगा ऊपर वाले का नाम लेके, ठीक है, ओके बाय। और हाँ ग्रेजुएशन के भरोसे मत रहिएगा कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो सर्विस वगैरह लगेगा, नहीं रे भाई आजकल मुश्किल है, काम कीजिए जो भी मिलता है 12th पास से ही, नहीं तो भूखे मरिएगा, बाकी और समझदारों के लिए काफ़ी है।